बैंगलोर अंडरवर्ल्ड की एक और कहानी लेकर हम हाजिर हैं। आज की कहानी होने वाली है कोली फैयाज की। कोली फैयाज की कहानी भी बहुत ही ज़्यादा फैसिनेटिंग है। उसके पिताजी उसे एक रेसलर बनाना चाहते थे, जो कि उसे बना भी दिया था। फिर ऐसा क्या हो गया कि वह रेसलिंग करते करते बेंगलोर अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गया। कोली फैयाज की कहानी मुंबई अंडरवर्ल्ड के उन डॉन्स से ज़्यादा मिलती है जो डोंगरी से बाहर निकलकर शहर पर राज किया था। आज के इस वीडियो में हम कोली फैयाज के बेटे के बारे में भी देखने वाले हैं। साथ ही कोली फैयाज की कहानी हमें यह भी बता देगी कि आखिर क्यों बेंगलोर में अंडरवर्ल्ड ज़्यादा दिनों तक सर्वाइव नहीं कर सका, किस तरह से, क्यों, कैसे और कब कब घटित हुई थी ये सभी घटनाएँ, आइए देखते हैं आज के इस वीडियो में। नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़झोरा.com का YouTube चैनल। बेंगलोर शहर में एक जगह है शिवाजी नगर, वहीं पर कोली फैयाज का जन्म हुआ था। वह कुल 7 भाई बहन थे, जिसमें 5 भाई और 2 बहनें थी। फैयाज के पिताजी एक छोटी सी पोल्ट्री चलाते थे, जिससे उसके परिवार का गुजर बसर हो रहा था। यह परिवार गरीबी में जी रहा था। उस परिवार के बच्चों के पास ना तो एजुकेशन थी और ना ही कोई बेसिक फैसिलिटी। फैयाज छोटी उम्र से ही अपने पिता के पोल्ट्री शॉप में काम करने लगा। उसके पिताजी ने नोटिस किया कि वह बहुत मन लगाकर काम कर रहा है और भारी भरकम सामान को भी आसानी से उठा ले रहा है। इसके बाद उसके पिता के मन में आया कि क्यों ना इसे पहलवानी सिखाया जाए और इसे एक पहलवान बनाया जाए। यह 70 का दशक चल रहा था जब अखाड़े की पहलवानी इस शहर के हवा में पूरी तरह से घुल चुकी थी। फैयाज के पिता ने उससे कहा कि तुम अब दुकान पर काम करना बंद कर दो और अखाड़े में जाकर पहलवानी करो, जिसके बाद फैयाज भी यही करना शुरू कर दिया और कुछ ही महीनों के बाद वह एक बेहतर पहलवान बन गया। बेंगलोर शहर में होने वाले कुश्ती प्रतियोगिता में वह भाग लेना शुरू कर दिया। वह कुछ छोटे मोटे कॉम्पिटिशन को भी जीता, लेकिन इससे उसके घर की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं हुई। उसके पिता की जो उसके कुश्ती करने से उम्मीदें थी, वह पूरी नहीं हुई। थक हार कर फैयाज कुश्ती छोड़ दिया और वापस से मुर्गी के दुकान पर बैठना शुरू कर दिया। ऊंचे कदकाठी का पहलवान आदमी फैयाज ने छोटी सी दुकान करते हुए नोटिस किया कि शहर में चिकन की खपत बहुत ज़्यादा है, जिसे बड़े बड़े होटल्स में सप्लाई किया जाता है। फैयाज ने यहीं पर अपना दिमाग लगाया और कुछ लड़कों के साथ मिलकर खुद का एक छोटा सा गैंग बनाया। इस गैंग का काम था शहर के सभी पोल्ट्री शॉप वालों से यह बोलना कि वह मुर्गी किसी होटल्स को नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ फैयाज को बेचे। कुछ दुकानदारों ने जब इसका विरोध किया, तब फैयाज खुद उसके दुकान पर जाकर उसे मारा पीटा और उसे धमकियां भी दी। फैयाज का बॉडी बिल्डिंग ऐसा था कि लोग उसको देखकर ही सहम जाते थे। फैयाज अब अपने बाहुबल और गैंग के दम पर चिकन के बिजनेस में पूरी तरह से उतर चुका था। जब सारे शहर का चिकन फैयाज के पोल्ट्री में इकट्ठा हो गया, तब जाकर शहर में चिकन की किल्लत महसूस हुई। शहर के सारे बड़े होटल्स अब फैयाज से चिकन लेने के लिए संपर्क किया और फैयाज उन सभी को मनमानी कीमत पर चिकन बेचा। यह सिलसिला कई सालों तक चलता रहा, जिसके बाद में फैयाज को लोग मुर्गी फैयाज के नाम से जानने लगे। यह धंधा अब बड़ा हो चुका था। फैयाज का नाम शहर में बढ़ने लगा था। रामचंद्र कोतवाल उस समय शहर में उभर रहा था। उसने भी फैयाज का साथ दिया और अब फैयाज भी एक अलग लेवल पर खेलने लगा। कोतवाल रामचंद्र के साथ आ जाने से अब धंधा सिर्फ चिकन तक ही सीमित नहीं रह गया था। अब शहर के इल्लीगल कामों में भी मुर्गी फैयाज अपना हाथ डालने लगा। कुल मिलाकर देखें तो एमपी जयराज के समय में मुर्गी फैयाज, ऑयल कुमार और कोतवाल रामचंद्र एक अलग ही दुनिया चला रहा था। अब जाने अनजाने में ही फैयाज की एंट्री बेंगलोर अंडरवर्ल्ड में हो चुकी थी। अंडरवर्ल्ड में जाते ही इसी चिकन बिजनेस की वजह से अब उसका नाम कोली फैयाज हो चुका था और यही नाम उसके साथ हमेशा के लिए रह गया। अंडरवर्ल्ड में आने के साथ ही वह अब कॉन्ट्रैक्ट किलिंग और जमीन पर कब्जा जमाने वाला काम भी शुरू कर चुका था। जब इतना सब हुआ तो गैंग भी बना और गैंग वॉर भी हुआ। साल 1990 से 1995 के बीच बेंगलोर अंडरवर्ल्ड ने सबसे ज्यादा मर्डर देखा। बेंगलोर शहर के छोटी सी बस्ती शिवाजी नगर से निकलकर कोली फैयाज अब इस शहर पर राज करने का सपना देखने लगा था, लेकिन यही सपना देखने वाले बहुत सारे लोग थे। इसी में एक गैंग ऐसा था जिसमें रिजवान सुल्तान और चप्पल हमीद जैसे गैंगस्टर थे। इन लोगों को कोली फैयाज का आगे आना अच्छा नहीं लग रहा था और नतीजा यह हुआ कि साल 1995 में हुए एक गैंग वॉर में कोली फैयाज मारा गया। कोली फैयाज के मरने के 8 सालों के बाद साल 2003 में उसका बेटा पप्पू उर्फ आमिर खान भी अंडरवर्ल्ड में शामिल हो गया।
उसे अंडरवर्ल्ड में लाने वाला था तनवीर, जो शुरू में कोली फयाज के साथ ही काम कर रहा था। कोली फयाज के मर्डर के बाद वह दुबई भाग गया। जब कोली फयाज का बेटा बड़ा हो गया तब तनवीर वापस आया। उसने आमिर खान को बताया कि उसके बाप का मर्डर इश्तियाक पहलवान के गैंग ने किया है। उस समय में पुलिस सूत्रों का मानना था कि फयाज के बेटे के मैदान में आ जाने से शहर के अंडरवर्ल्ड और शिवाजी नगर के गैंगस्टर्स के बीच समीकरण बदलने की उम्मीद है। राइवल तनवीर और इश्तियाक गैंग के बीच पिछले कुछ दिनों में कई गैंग वॉर हुए थे और साथ ही कुछ क्रॉस फायरिंग भी हुई थी। इसके बाद तनवीर गैंग ने सबसे पहले नागा थिएटर की पार्किंग में इश्तियाक पर हमला किया। इश्तियाक गलत पहचान की वजह से बच गया और गैंगस्टर ने इश्तियाक समझकर मुंबई के एक होटल व्यापारी को गोली मारकर घायल कर दिया। इश्तियाक गैंग ने विल्सन गार्डन में एक बार के पास तनवीर गैंग के एक प्रमुख व्यक्ति खलील पर अटैक किया। इन हमलावरों में इश्तियाक गैंग का एक गैंगस्टर आलिम भी था, जो इस गैंग वॉर में कोली फयाज के बेटे पप्पू उर्फ आमिर खान के हाथों मारा गया। साल 2003 में हुए इस गैंग वॉर के 16 सालों के बाद 24 जून 2019 को बेंगलोर के कोठनूर में पप्पू उर्फ आमिर खान को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के वक्त कोली फयाज के बेटे पप्पू उर्फ आमिर खान के ऊपर 22 केस दर्ज थे, जिसमें 2 मर्डर के केस थे। तो यही थी बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के डॉन कोली फयाज और उसके बेटे की कहानी। यह कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइए। हमें आपके कमेंट का इंतजार रहता है। साथ ही बेंगलोर अंडरवर्ल्ड के और वीडियोस को लगातार देखने के लिए हमारे साथ बने रहिए। अंत में एक और जरूरी बात, हमने बेजोड़ जोड़ा का एक टेलीग्राम चैनल भी बनाया है, जहां आपको हमारे सारे वीडियोस के लिंक सबसे पहले मिल जाएंगे। इसलिए आप लोग टेलीग्राम पर भी हमसे जुड़ें। टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए सिंपली आप टेलीग्राम ऐप के सर्च में जाकर बेजोड़ जोड़ा लिखिए और चैनल पर जाकर ज्वाइन बटन क्लिक कर दीजिए, आप हमसे जुड़ जाएंगे। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोज़ के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।